हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज के इस वीडियो में हम मंडला आर्ट का शॉर्टकट ट्रिक सीखने वाले हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर में, और यह काफ़ी सिंपल है। अगर आप एक बार इस ट्रिक को समझ जाए तो आप किसी भी शेप को ऐसा नॉर्मल सा शेप देंगे और वह ऑटोमेटिक मिरर हो जाएगा एज मच एज नंबर ऑफ टाइम आप चाहते हैं। और यह काफ़ी सिंपल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ इस तरह का शेप ड्रॉ किया, और इसके बाद देखिए कि यहाँ पर किस तरह से यह मिरर क्रिएट हो जा रहा है और यह रिपीट हो जा रहा है। और ये करना काफ़ी सिंपल है। अगर इस वीडियो पे अराउंड 250 लाइक आते हैं तो मैं कुछ इस तरह का आर्ट क्रिएट करके आपको दिखाने वाला हूँ, और यह काफ़ी सिंपल होने जा रहा है। यहाँ पर मैं सिर्फ ट्रिक की बात करूँगा इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एन से मैं यहाँ पर नॉर्मल प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं 1080x1080 का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। देन क्लिक ऑन क्रिएट बटन। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं अल्ट के साथ थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ ताकि जूम आउट हो जाए। अब यहाँ पर आप एक काम करेंगे, एक लाइन सिगमेंट टूल को सिलेक्ट करेंगे। वन टाइम लेफ्ट क्लिक मैं करता हूँ, अराउंड 1500 पिक्सल का एक लाइन क्रिएट करता हूँ। देन क्लिक ऑन ओके, और इसे हम कर लेंगे सेंट्रली अलाइन बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। सिमिलरली एक और लाइन क्रिएट करेंगे, यहाँ पर मैं एंगल रखूँगा 90 डिग्री, एंड देन क्लिक ऑन ओके, और इसे भी मैं कर लूँगा सेंट्रली अलाइन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब इस दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इसके लिए इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ इसे भी सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल सिलेक्शन टूल में आ जाएंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, दूसरे लाइन को भी सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ में, और इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन होगा उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप जाइएगा तो यहाँ पर ये ग्रुप वाला लेयर सिलेक्टेड है, ये लेयर पैनल के अंडर में आपको देखने को मिलेगा। लेयर पैनल अगर आपको नहीं विजुअल होगा तो विंडोज़ वाले सेक्शन के अंडर में यहाँ पर लेयर्स को इनेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो शॉर्टकट F7 का यूज कर सकते हैं। तो अब आप सबसे पहले ये लेयर वाले को सिलेक्ट करेंगे। इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद अब आप इफेक्ट वाले सेक्शन में जाइए, यहाँ पर डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के अंडर में ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करिए। आप यह ध्यान रखें कि यह लेयर वाला पैनल जो टॉप मोस्ट लेयर 1 है उसको एक्टिवेट करके रखेंगे। ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करें और यहाँ पर जो एंगल है उसकी वैल्यू 60 डिग्री डालें। यहाँ पर 60 डिग्री डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं 6 नंबर ऑफ कॉपीज क्रिएट करना चाह रहा हूँ। आप जितना भी नंबर ऑफ कॉपीज क्रिएट करना चाहते हैं उतना नंबर को 360 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर मैं कॉपीज को 6 कर दूंगा, 6। देन क्लिक ऑन ओके। ये ओके क्लिक करने के बाद इस शेप को सिलेक्ट ही किए रहेंगे, इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर फिर से डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के अंडर में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। इस बार जो एंगल की वैल्यू है वो 60 ही डालेंगे, मगर यहाँ पर रिफ्लेक्ट x करेंगे और कॉपीज को 1 कर देंगे। देन क्लिक ऑन ओके। आपको कुछ ऐसा शेप देखने को मिलेगा। यह दोनों ट्रांसफॉर्म इफेक्ट क्रिएट होने के बाद हम इस लेयर को कर देंगे लॉक, इस ग्रुप को। और आप चाहें तो अनलॉक करके इसकी जो कैपेसिटी है उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए इस ग्रुप को एक्टिवेट करेंगे और इसकी जो कैपेसिटी वाली वैल्यू है उसको चेंज करके कर देंगे हम अराउंड 20-25%, समथिंग लाइक दिस, सो दैट इट विल बी लुकिंग गुड। और यहाँ पर मैं इस लेयर को कर दूंगा, ग्रुप वाले लेयर को कर दूंगा लॉक। अब हम एक्टिवेट करेंगे लेयर 1 को। अब हम जो भी शेप ड्रॉ करेंगे उसका जो है मल्टीपल कॉपी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये शेप ड्रॉ किया, इसका मल्टीपल कॉपी क्रिएट हो गया। अगर मैं ऐसे ही पेंट ब्रश टूल या फिर ब्लॉक ब्रश टूल को सिलेक्ट करता हूँ और कुछ रेंडम सा शेप कुछ ऐसा ड्रॉ करता हूँ, तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि ऐसा शेप यह चारों तरफ से डेवलप हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो आप चाहें तो इस तरह का यूज करके किसी भी तरह का यूनिक सा मंडला आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, और यह काफ़ी ही जेंडिक है और सिंपल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, लाइक टारगेट को पूरी करिए ताकि हम जल्दी से जल्दी पूरी ट्यूटोरियल पब्लिश कर पाएँ हमारे चैनल पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।